जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। बात ये करेंगे कंपनी के जो शेयर प्राइस सभी भी देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन रेंज में ही फंसा हुआ है, जबकि कंपनी के जो नंबर्स आए हैं क्वार्टर्स के नंबर उसके हिसाब से ये जो स्टॉक अभी कंसोलिडेशन रेंज में घूम रहा है इसको अब तक इससे बाहर हो जाना चाहिए था, यानी कि इसका ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था। तो ये ब्रेकआउट कब होगा ताकि जो लोग भी हाल फिलहाल के दिनों में बाई करके इसमें फंसे हुए, चूंकि क्या है कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई किए हुए हैं इससे कंपनी के शेयर्स को, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो तो अपना होल्ड करके चल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग स्विंग ट्रेडिंग करने के पर्पज से शेयर को बाई करते हैं। और क्या होता है कि वे स्टॉक किसी भी कंपनी का, मैं सिर्फ एम्पावर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टॉक जिसमें पैसा लगाया जाता है और यदि कंसोलिडेशन रेंज में चला जाता है, एक रेंज में फंस जाता है, तो फिर ये स्विंग ट्रेडिंग ना होकर उनका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के जैसा हो जाता है जिससे उनका एक प्रकार से पैसा फंस जाता है। तो इस बातों को समझेंगे और यह भी बताऊंगा कि नए व्यक्ति के लिए कैसे अभी अपॉर्चुनिटी बन रहा है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एम्पावर इंडिया लिमिटेड काफी बढ़िया है स्टॉक से, ये सभी बात आप जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं और आपको बताऊंगा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, उसको क्या अपडेट निकलकर सामने आया है और भी तमाम बातें होंगी इस स्टॉक के बारे में। सबसे पहले चलते हैं बीएस इंडेक्स वेबसाइट पे, जहां पे हम लोग इस कंपनी का डिटेल्स ले लेते हैं कि अभी इस स्टॉक में क्या चल रहा है, फिर आएंगे यहाँ पे और इस कंपनी को आगे डिस्कस करेंगे। देखिए बीएसई इंडेक्स वेबसाइट पर भी हम लोग आए हुए हैं। बीएसई इंडेक्स वेबसाइट पर एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। स्टॉक में तेजी दिख रही है आपको, तेजी तो चल ही रहा है इन दिनों, हालांकि तेजी होने के बावजूद स्टॉक अभी कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। हम लोग चार्ट पर समझेंगे। यहाँ पे एएसएम स्टेज वन में अभी भी ये स्टॉक है, हालांकि स्टेज वन कोई बहुत बड़ी घातक कैटेगरी नहीं होती, ये बस एक सिंबल होता है कि स्टॉक अभी एएसएम कैटेगरी में है। हालांकि अगर बहुत जल्द स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकलता है और अगर कुछ और भी सेबी को जांच परख करना हुआ इस स्टॉक में, तो हो सकता है कैटेगरी को एक से बढ़ा के दो कर दिया जाए, तो फिर और ज्यादा समय लग जाएगा ये जो स्टॉक का भी कंसोलिडेशन रेंज में है उससे बाहर निकलने में। लेकिन स्टेज टू में ये इस कंपनी को रखा जाएगा, इसकी संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि अब देखेंगे तो कुछ दिनों में क्या होगा, कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर भी आएंगे और क्वार्टर टू के नंबर आने से पहले मुझे उम्मीद है कि इस कंपनी को ईएसएम कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शन तो इस क्वार्टर में कुछ हुआ नहीं था, बल्कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ है। कॉर्पोरेट एक्शंस में जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि 3 सितंबर की डेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग हुई थी, इसका क्या आउटकम निकलकर सामने आया उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इस मीटिंग में कुछ खास नहीं हुआ था, असली की जो मीटिंग होनी है 30 सितंबर की डेट में होनी है, वहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आएगा, लेकिन इस मीटिंग में भी मोटा मोटी जो बातें निकलकर सामने आई है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे 3 सितंबर की डेट का यह अपडेट है, 3 सितंबर की डेट में नीचे आई है। यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी बात है इस मीटिंग में कि यहाँ पे ही अपॉइंटमेंट किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो रिटायर हो गए होने ही वाले थे मिस्टर राजाराम अशोक और गावड़े का, इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। और नीचे आने पे एक चीज देखने को मिलता है कि एक जैमिन मोदी करके हैं लेडीज हैं, इनको क्या किया गया है, बनाया गया है जो एनुअल 42वीं एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है इनकी 30 सितंबर डेट में, इसको इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए इनको अपॉइंटमेंट किया गया है जो इस एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करेंगे 30 सितंबर डेट में। मेन मीटिंग होने वाली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो उसमें जो भी बातें निकलकर सामने आएगी वो मेन रहेगा और उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा जब भी ये मीटिंग। अब यहाँ पे मेन चीज हम लोग समझते हैं, सबसे पहले 1 साल के चार्ट पर आते हैं। 1 साल के चार्ट पर आप देखिए अभी भी स्टॉक का भी आपको कंसोलिडेशन रेंज में घूमते हुए देखने को मिल रहा है, तकरीबन 2 रुपए से लेकर 2.5 रुपए के बीच में स्टॉक का प्राइस घूम रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि स्टॉक का जो प्राइस है धीरे धीरे चल के अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, और रेजिस्टेंस के पास आने पर क्या होता है कि ब्रेकआउट होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। यानी कि एक बात तो इसमें संभावना है इस बात की कि प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा बन रही कि ब्रेकआउट इसमें जल्द से जल्द हो सकता है। आप यहाँ पर भी मैं दिखाऊं आपको मैक्सिमम चार्ट पर आप देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन इस चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, और जब भी चार्ट पर डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन होता है तो स्टॉक में तेजी आने के चांसेस होते हैं। अब क्या है कि 2.5 रुपए के ऊपर जैसे स्टॉक का प्राइस निकलेगा एक लंबा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, जो कम से कम 3.5 रुपए के लेवल तक तो आएगा ही, प्रीवियस हाई को टच करने और इसके ऊपर निकला तो लगभग इसके माना जाता है कि इसके डबल ये जाने का दमखम रखते हैं, यानी कि 6-7 साढ़े 7 रुपए तक आपको इजीली जाते हुए दिख सकता है। तो नए व्यक्ति क्या करेंगे, जैसे ही 2.5 रुपए से ऊपर इस कंपनी का शेयर प्राइस निकले, यदि कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 2.5 रुपए से ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं, और जिसके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है वो अभी इसमें जब एवरेजिंग करने की बात है तो अभी चाहे तो कर सकते हैं। हालांकि आपको इंतजार करना चाहिए प्राइस को थोड़ा बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अभी ज्यादा पैसा लगा देंगे तो अभी तो क्या है कि रेंज बाउंड में घूम ही रहा है और पता नहीं कब तक रेंज बाउंड में घूमे, तब तक आपको ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। वैसे कंपनी के अभी हाल ही में क्वार्टर्स के नंबर आए थे, नंबर भी ठीक ठाक आए थे, तो नंबर के हिसाब से भी कंपनी के जो क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं
वो बढ़ने चाहिए थे, हालांकि सेल्स में थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन ओवरऑल के हिसाब से देखते हैं तो अब मतलब एक सिर्फ प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट को छोड़ दे, मैंने बताया भी था, तो इसको छोड़कर ओवरऑल कंपनी अभी भी जबरदस्त प्रॉफिट में है। और प्रॉफिट चूंकि सेल्स से जब ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो होगी, तो प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक ही हो रहा है, तकरीबन जहां लाखों में होता था अब यहाँ करोड़ों में प्रॉफिट होने लगा है। तो आपको क्या करना है कि ओवरऑल इसमें अभी वेट करके चलना है। बैलेंस शीट भी कंपनी का ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं एकदम कोई डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है, और कंपनी जो फ्री कैश फ्लो होता है यह भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहा है। साथ में कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें कंपनी के खुद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इस स्टॉक में तकरीबन 15% के आसपास है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स पर भरोसा करके चलना होगा जिसमें एफआईआई भी तकरीबन 3% के आसपास है, 0.03% के आसपास। ओवरऑल यदि बात करते हैं हम लोग एम्पावर इंडिया लिमिटेड का, तो एक शानदार कंपनी है जो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचते हैं इस स्टॉक का ग्रोथ, तो इसमें काफी ग्रोथ है, इसलिए आपके पोर्टफोलियो में एम्पावर इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी है तो उसको होल्ड करके चलिए, नहीं है तो एक सही लेवल देख के उसको बाई करने की कोशिश कीजिए जो मैंने चार्ट पर बताए हैं। फिर भी मन में कोई सवाल होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ, और व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहरहाल कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं था, 30 सितंबर के डेट में इस कंपनी का बोर्ड ऑफ मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ सकता है, फिर मैं जो भी अपडेट आएगा ये समय समय पर इस स्टॉक का मैं रिव्यू करते रहूंगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।